क्या कभी सोचा है आपका कंटेंट ऑनलाइन क्यों नहीं चल रहा? आप दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी वो ट्रैफिक और विजिबिलिटी नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट करते हो। चलो बताओ प्रॉब्लम क्या है। अच्छा नहीं पता, लाइक कर दो, बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ही हो सकती है लैक ऑफ राइट कीवर्ड। हाँ, कीवर्ड्स, वो मैजिकल वर्ड जो आपके कॉन्टेंट को सर्च इंजन के टॉप रिजल्ट में लाते हैं। Don't you know keywords क्या होते हैं? Let me explain. Keywords basically वो specific terms होते हैं जो लोग search engines में type करते हैं जब वो कुछ specific ढूंढ रहे होते हैं। For example, अगर कोई best smartphones under 15,000 search करता है तो best smartphones under 15,000 ही यहाँ पर keyword है। Simple. अब समझ आया? लेकिन यहाँ twist है कि हर keyword के पीछे एक अलग strategy होती है। कुछ keywords ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा competitive होते हैं, मतलब बहुत सारे website owners उन्हें target कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव होते हैं लेकिन उनका भी अपना एक वैल्यू होता है। तो द रियल ट्रिक ये है कि आपको अपने कंटेंट के लिए सही बैलेंस वाला कीवर्ड्स फाइंड करना होता है। इमेजिन करो, आप एक आर्टिकल लिख रहे हो या कोई वीडियो बना रहे हो और आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली कौन से कीवर्ड्स यूज करने से आपके कंटेंट को ताबड़तोड़ ट्रैफिक मिल जाएगा, कितना अमेजिंग होगा ना। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है गाइस, ये पॉसिबल है और इससे ऑलरेडी वेबसाइट ओनर्स लाखों रुपए आप भी रहे हैं। तो यही मैं आपको आज सिखाऊंगा कैसे आप विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी इफेक्टिव कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। जी हाँ, सही सुना, फ्री में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्री है तो बहुत ही मेहनत वाला काम होगा, जैसे कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे YouTube वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स नॉट। बट हाँ, एक रोड ब्लॉकर है यहाँ कि जो टूल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए ही है, मोबाइल यूजर उसका बेनिफिट अभी फिलहाल नहीं उठा पाएंगे। स्टीव जॉब्स ने एक बार बहुत ही शानदार बात कही थी दोस्त, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। और जब आपको पता चलेगा कि कीवर्ड रिसर्च करके कैसे आपका कंटेंट ट्रैफिक की बाढ़ ही ला रहा है तो आपको भी आपके काम से लव हो जाएगा, क्योंकि तब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, रियल रिजल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप एक फ्री टूल का, जी हाँ फ्री टूल का बार बार बोल रहा हूं, यूज करके अपने कॉन्टेंट के लिए परफेक्ट कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। ये टूल ऐसा है जो एक्सपर्ट्स भी यूज करते हैं लेकिन शायद ही कोई कभी आपको ओपनली बताया करेगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कीवर्ड रिसर्च। गाइस देखो, मैं गूगल पे हूँ और मैं गूगल पे क्यों हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना होता है फ्री में तो इस दुनिया का सबसे इजीएस्ट तरीका आपको क्या बताया जाता है? आपको बताया जाता है ऑटो कंप्लीट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2000, 3000, 4000, जो भी है, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये नीचे जो ये सजेशंस आ रहे हैं इनको एज अ फ्री कीवर्ड काउंट किया जाता है कि इन कीवर्ड्स को आप ले लो। अब मैं आपको अगर बताऊं कि इन कीवर्ड्स को मैं ले तो लूं क्योंकि गूगल इनको सजेस्ट तो कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें से बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक होगा, लेकिन मुझे ये भी तो जानना है कि इसमें कितना ट्रैफिक है, और अगर ट्रैफिक है तो क्या ये लेस कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हुआ तो मैं अगर आंख बंद करके इन कीवर्ड्स को ले लूं तो फायदा क्या हुआ। तो इसीलिए आज हमें ये पता करना है कि इन कीवर्ड्स को, इन सजेशंस को एज अ कीवर्ड्स बनाने से पहले हमें दो चीज का जो ध्यान रखना है वो हमें कहां से मिलने वाला है, वो हमें मिलने वाला है आज के फ्री टूल से। तो जल्दी से अपने दिल को थाम के रखो, मैं आपको बता देता हूं। दैट इज नोन एज जिस रैंक ट्रैकर बाय SEO पावर सुइट। SEO पावर सुइट एक कंपनी है जो कि SEO के टूल्स बनाती रहती है, उसमें से एक टूल है रैंक ट्रैकर। अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने डाउनलोड फ्री में करके इंस्टॉल कर लिया अपने पास, आप भी चाहो तो इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, क्योंकि जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे आपको सिर्फ अपना नाम और ईमेल एड्रेस देना है और डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करना है, फाइल डाउनलोड हो जाएगा, एक exe फाइल डाउनलोड होगा, इंस्टॉल कर लो, सिंपल, आपको ये वाला टूल जो है फ्री में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है मैं जल्दी से बता देता हूं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे रैंक ट्रैकिंग, इनफैक्ट आप अपनी वेबसाइट का जो कीवर्ड्स है वो भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन से रैंक कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन से किस पोजीशन पे कर रहे हैं, ताकि आप उन पे काम थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग कर पाओ, ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हमें फ्रेश कीवर्ड्स ढूंढने हैं, मुझे एक नया आर्टिकल लिखना है उसके लिए फ्रेश कीवर्ड्स चाहिए, तो सबसे पहले आप जाओगे कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च पे जाके इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे दैट विल बी ऑटो कंप्लीट टूल्स। यस गाइस, देखो ऑटो कंप्लीट टूल्स पे मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है, अब मैं आपको करके भी दिखाता हूं एक और। अब मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग loudreview.in के अंदर मैं हेडफोन्स के रिव्यूज करता हूं, हेडफोन्स हो गया या छोटे-मोटे गैजेट्स हो गया, तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा बेस्ट
हेडफोन्स। तो मैं चाहता हूं कि बेस्ट हेडफोन्स जब भी कोई लिखे तो उसको कंप्लीट करते हुए जो ऑटो सजेशंस आते हैं मुझे ये टूल ढूंढ के दे दे, क्योंकि मैं हेडफोन्स के ऊपर ही अपने आर्टिकल लिखना चाहता हूं फ्यूचर वाले। तो अगर मुझे सजेशंस मिल गए तो मैं सिर्फ उन पे फोकस करूंगा ना, बाकी जो बेकार में मैं फोकस क्यों करूं, मनगढ़ंत फोकस क्यों करूं कि जिस पे मुझे ना डेटा पता है, ना उनका ट्रैफिक पता है, ना उनका डिफिकल्टी पता है और मैं लग जाऊं उस पे, तो बेकार मेरा पूरा मेहनत हो जाएगा। जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट तभी तो करेंगे ना जब वो राइट डायरेक्शन में होगा। तो गाइस एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। अब देखो बेस्ट हेडफोन से रिलेटेड टोटल 254 कीवर्ड सजेशंस अभी तक तो ये ढूंढ चुका है। अब ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है, मैं आपको बता दूं टाइम क्यों लेता है, क्योंकि ये गूगल पर जाता है, खुद लिखना शुरू करता है बेस्ट हेडफोन्स और वहां पर जो सजेशंस आते हैं उन सजेशंस को ये देना स्टार्ट करता है। तो गाइस नाउ हियर इट इज, अब आप रिजल्ट देखो यहां पर बेस्ट हेडफोन्स सिर्फ इस कीवर्ड पे ही 10,990 टोटल नंबर ऑफ सर्चेस होते हैं मंथली। कैन यू जस्ट लुक एट इट, लास्ट 30 डेज में देख रहे हो आप द नंबर ऑफ टाइम्स अ कीवर्ड हैज बीन सर्च्ड इन गूगल इन द ओवर द लास्ट 30 डेज एज पर गूगल कीवर्ड प्लानर। और इस तरीके से बाकी सजेशंस आप देख लो गाइस, सारे आपको बेस्ट हेडफोन्स वाले ही मिलेंगे। बेस्ट हेडफोन्स जिम, बेस्ट हेडफोन्स बेस, बेस्ट हेडफोन्स और नॉइस कैंसलिंग, बेस्ट हेडफोन्स बिलो 2000, ये सारे आपको मिल रहे हैं। लेकिन साथ में जो आपको यहां पर मिल रहा है ना वो कमाल की चीज है गाइस, वो ये है कि एक तो आपको पता लग गया कि इनके सर्चेस क्या क्या है, ताकि आप उनको ही टारगेट करो जिसपे सर्चेस अच्छे हैं। क्योंकि अगर मैं बेस्ट हेडफोन्स किड्स पे सर्च करूं तो कोई इसको सर्च नहीं करता गूगल पे, लास्ट 30 डेज में किसी ने सर्च ही नहीं किया। सेम हैपेंस गाइस बेस्ट हेडफोन सेल, अगर ये भी कीवर्ड मैं टारगेट कर रहा हूं और मैं इस पे रैंक करना शुरू कर दूं तो रैंक तो हो जाऊंगा फॉर एग्जांपल, क्यों, क्योंकि इस पे मैं देख रहा हूं कोई भी डिफिकल्टी वगैरह नहीं है लेकिन सर्च भी तो नहीं है, रैंक करके करूंगा क्या, मेरे लिए कोई फायदा थोड़ी ना है, मैं वहां पर अपनी दुकान क्यों डालूं जहां पर कोई आता ही नहीं है, मेरे सामान खरीदेगा कौन। तो सेम हैपेंस विद, तो गाइस इसीलिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर उन कीवर्ड्स को फोकस करना होता है जिनका आपके पास डेटा है कि भैया ये कीवर्ड चल जाएगा। अब यहां पर आपको दो चीज सिखाता हूं जल्दी से वो जान लो। सबसे पहले आपको यहां पर कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। नंबर 1, आपको नंबर ऑफ सर्चेस जो है ये आपके होने चाहिए, नंबर ऑफ सर्चेस मोर देन मिनिमम, मैं आपको बताऊंगा 500 से ऊपर के सर्चेस हैं तो आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करना वरना मत करना। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंपटीशन लेस देन 30, जैसे इस फिल्टर को आप लगाओगे गाइस अब आपको दिख जाएगा कि आपके पास वही सिर्फ कीवर्ड्स आ गए हैं, मात्र अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं 36 कीवर्ड्स हैं जो कि 500 से ऊपर के सर्चेस रखते हैं आपके ऑटो कंप्लीट सजेशंस में। प्लस गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं उनका कीवर्ड डिफिकल्टी सबका जो है, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले को छोड़ दूं क्योंकि ये हमारा जो सीड कीवर्ड है इसने सीड कीवर्ड को बाय डिफॉल्ट रखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका डिफिकल्टी क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है, वो सीड कीवर्ड है मेरा। सो गाइस नेक्स्ट जो हम लेंगे दैट विल बी कीवर्ड डिफिकल्टी। नाउ कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी ये होता है कि कौन सा कीवर्ड अभी कितना कॉम्पिटेटिव है और कितना नहीं है, ये इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी होती है। तो अगर मैं बोलूं कीवर्ड डिफिकल्टी हमेशा लेस देन 30 होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 30 के ऊपर के जो कीवर्ड होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट कीवर्ड माने जाते हैं जिस पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स अच्छे अच्छे अथॉरिटी के साथ बैठी है, मतलब उनको हराना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा तो गाइस नाउ अब आपके पास इन सारे कीवर्ड में से छटके जो कीवर्ड आया है, नंबर 1 कीवर्ड दैट इज बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2000, इस पे फोकस करो, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी 30 से कम है और गाइस अगर मैं बात करूं इसके नंबर ऑफ सर्चेस मंथली 9900 है। तो गाइस मिल गया आपको एक कीवर्ड जिस पे आप काम कर सकते हो। अब अगर आप इस पे काम करोगे तो आप रैंक करने के चांसेस भी अपना पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 29.1 की कीवर्ड डिफिकल्टी व्हिच इज वेरी वेरी गुड एंड यहाँ पर सर्चेस भी ताबड़तोड़ है। और अगर आप रैंक कर गए तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेड जो आपकी विजिट आपकी साइट पे हो सकती है दैट इज तकरीबन महीने के 3218 एक्सपेक्टेड विजिट जो है आपकी साइट में हो सकती है। तो यही तो चाहते थे हम गाइस, इसी को तो कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। ये एक वन ऑफ द तरीका था कीवर्ड सर्च करने का अगर आपको गूगल से ट्रैफिक चाहिए। लाइक करोगे थोड़ा मोटिवेशन अप होगा, ताकि गाइस मैं आपको अपने सीक्रेट्स देता रहा करूं, मुझे मोटिवेट रखो लाइक करके और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी जल्दी से कर लो। अब ये तो एक तरीका, अब नेक्स्ट तरीके पे आते हैं गाइस रिलेटेड सर्चेस। अब फॉर एग्जांपल आपको ऑटो कंप्लीट में ये वाला कीवर्ड मिल गया व्हिच इज बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2000, ये आपका मेन कीवर्ड आपको एक मिल गया। अब आप चाहते हो कि मुझे सेकेंडरी कीवर्ड्स भी चाहिए और ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जो कि मैं इसी आर्टिकल पे रैंक कराऊं या इस टाइप के और आर्टिकल लिख के रैंक करा पाऊं, तो आपको जाने हैं रिलेटेड सर्चेस पे और यहां पर आपको अपने रिलेटेड सर्चेस पे वो मेन कीवर्ड लिख देना है जो कि आपने अभी डाला है। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट हेडफोन्स अंडर
2000. जैसे आप एंटर करोगे, सो गाइज नाउ यू विल सी दैट ऑल दोस कीवर्ड जो कि इससे रिलेटेड है. तो गाइज यहाँ पर हो क्या रहा है पता आपको, यहाँ पर आपकी प्लानिंग चल रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चल रही है आपके आर्टिकल को रैंक कराने की, कि सबसे पहले हमने वो ढूंढा कि सबसे बेस्ट कीवर्ड एज पर ऑटो कंप्लीट सजेशन कौन सा था, जिसपे हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी है और वो डिफिकल्ट भी नहीं है. अब मैं उससे रिलेटेड और भी सर्चेस जो होते हैं कीवर्ड्स के गूगल पे वो निकाल रहा हूँ, जो कि हेल्प करेंगे एज अ सपोर्टिव कीवर्ड फॉर माई आर्टिकल. क्योंकि एक जो आर्टिकल होता है ना, वो सिर्फ एक कीवर्ड पर रैंक नहीं करता है, वो मल्टीपल कीवर्ड्स पर रैंक करता है, जिसके चलते मुझे ये फायदा होगा कि अगर मैं उन आर्टिकल पे मेन कीवर्ड और सपोर्टिव कीवर्ड्स डालूं तो मेरे पूरे आर्टिकल की जो अथॉरिटी है, जो वेट है, जो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है गूगल की नजर में कि गूगल मेन कीवर्ड पे तो कराई देता है क्योंकि सपोर्टिव कीवर्ड्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि मैं सपोर्टिव कीवर्ड्स पे भी रैंक करना शुरू कर देता हूं, तो मुझे ओवरऑल जो है वो रैंकिंग में फायदा होता है, ट्रैफिक में फायदा होता है. तो गाइज अब मैं इन सपोर्टिव कीवर्ड में से भी थोड़े फिल्टर लगाऊंगा, लेकिन अब मैं कीवर्ड डिफिकल्टी की फिल्टर नहीं लगाऊंगा. क्यों नहीं लगाऊंगा? अब मुझे सिर्फ सर्च वाले फिल्टर चाहिए, कि मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिनके सर्चेस यस मोर देन 500 होने चाहिए, दैट्स इट. डिफिकल्टी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड नहीं होगा, ये सपोर्टिव कीवर्ड होगा, मैं इन पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये मेरे मेन कीवर्ड को सिर्फ सपोर्ट करेंगे, एंड दिस इज द कीवर्ड्स व्हिच विल बी काउंट एज अ सेकेंडरी कीवर्ड फॉर दैट आर्टिकल. अब जिस आर्टिकल पे आपका ये वाला प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, उस पे बाकी जो 6 कीवर्ड रहेंगे, जैसे बेस्ट हेडफोन्स under 3000, best wireless headphones under 2000, या best headphones under 2000, over ear, best over ear headphones under, ये सारे जो हैं guys, इनको आप as a secondary and supportive keywords यहाँ पर ले सकते हो, जिससे आपके उस पर्टिकुलर आर्टिकल की ना ही सिर्फ अथॉरिटी बढ़ेगी, बल्कि हो सकता है आप इन पे भी रैंक कर जाओ और इनके वाले सर्चेस को भी आप टारगेट कर लो अपने एक ही आर्टिकल पे. तो ये था सेकंड इंपॉर्टेंट प्लानिंग फॉर कीवर्ड रिसर्च. थर्ड पे आते हैं गाइस, आजकल आपने देखा होगा जब आप गूगल पे जाते हो, तो आप जब गूगल पे लिखते हो जैसे बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2000, जैसे आप इसको लिखते हो, तो गाइस यहां पर आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे ऐसे सर्चेस हैं जिसके अंदर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस भी रैंक कर रहे हैं, हु मेक्स द बेस्ट हेडफोन्स, जस्ट लुक एट इट, ये आपके क्वेश्चन हैं जो कि गूगल पे रैंक कर रहे हैं, आप देख रहे हो गाइस इस तरीके से, और भी आप देख पाओगे, और यहां से भी आपके ट्रैफिक बनने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड पे तो कम है, लेकिन आप स्टार्ट करो तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो हो जाता है. तो इसको क्या करना है, मैं वो भी बता देता हूँ जल्दी से, आपको वापस आना है रैंक ट्रैकर पे, और इस बार जाना है आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पे. तो बेस्ट हेडफोन्स अंडर 2000 आपका मेन कीवर्ड था, टू करते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, अब यहां पर आपको रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनका FAQ आप डाल के अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो इन क्वेश्चंस पे भी, क्योंकि गूगल पे सिर्फ आपके कीवर्ड के अलावा क्वेश्चंस भी तो पूछे जाते हैं. जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे हेडफोन से रिलेटेड और वो इनमें से कोई होगा जो आप अभी पिक करोगे, तो गाइस आप क्वेश्चंस में भी गूगल पे रैंक करोगे अपने उस आर्टिकल के लिए. तो गाइस ये रहे वो क्वेश्चंस जिनको आप अपने पर्टिकुलर FAQs में दे सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर. सो गाइस ये थी कहानी आज के फ्री कीवर्ड टूल की, जिसको यूज करके आप अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग करके ही आर्टिकल को लिखना स्टार्ट किया होगा, या आपने प्रॉपर प्लानिंग करके उन्हीं कीवर्ड को सिर्फ रैंक कराने की सोची होगी जिसका डेटा आपके पास है, जिसमें नंबर वन तो ये होगा कि उसमें हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और सेकेंड उसके अंदर कॉम्पिटिशन कम होना चाहिए. अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपने ढूंढ लिए, उस कीवर्ड को आप आराम से रैंक करा सकते हो. बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको आर्टिकल भी ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा, कि अगर आपने ये कीवर्ड ढूंढ तो लिया है, लेकिन इस कीवर्ड का करना क्या है उस आर्टिकल के अंदर ये भी बताऊंगा, और उसके बाद तो आपको रैंक करने से शायद ही कोई रोक पाए. तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्त के साथ जिसको इस टाइप के कॉन्टेंट की जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइप के कॉन्टेंट जो एक्चुअली में जो होते हैं ये कोर्स बना के बेचे जाते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पे फ्री में दे रहा हूँ. बाकी मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि आप किस टाइप के वीडियोस और भी एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, और ये जो वीडियो था ये कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना. तो गाइस चलो आप जल्दी से सीखते रहो ऐसे ही, और यूं ही दिमाग थनकाते रहो मेरे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय.